अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब लोगों को ईद उल फितर के ऊपर कुछ जुमले लिखना सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ईद उल फितर मुसलमानों का एक अहम त्यौहार है। ईद उल फितर यकम शवाल को मनाई जाती है। शवाल इस्लामी महीने का 10वां महीना है। ईद उल फितर रमज़ान के बाद मुसलमानों के लिए एक ख़ास तोहफा है। इस दिन हर मुसलमान खुश नज़र आता है। ईद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने खुश, जश्न और फरहत के हैं। ईद उल फितर के दिन रोज़ों का सिलसिला ख़त्म होता है। फितर के मायने रोज़ा ख़त्म करने के हैं। ईद उल फितर के रोज़ अल्लाह ताला बंदों को रोज़ा और रमज़ान की इबादत का सवाब अता फरमाते हैं। ईद उल फितर दुनिया के कोने कोने में मनाई जाती है। इस दिन लोग ईद की नमाज से पहले फितराना अदा करते हैं ताकि गरीब और ज़रूरतमंद भी इन खुशियों में शरीक हो सकें। ईद का जश्न हर जगह बहुत ही जोश शोर से मनाया जाता है। इस दिन सब जगह मेले लगते हैं और मेले में झूले, चाट और खिलौनों की दुकानें लगी होती हैं। ईद की खुशी में सब बड़े लोग अपने से छोटों को ईदी भी देते हैं। इस त्यौहार से ये साबित होता है कि अल्लाह को राज़ी और खुश रखने के लिए रमज़ान के रोज़े और इसके साथ अल्लाह की इबादत बहुत ही ज़रूरी है। ईद का त्यौहार मुसलमान को खुदा के अहकाम पर अमल करने का जज्बा पैदा करता है। जज़ाकअल्लाह।